हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज के एक और इम्पॉर्टेंट लेक्चर में अब बहुत बार बहुत सारी चीज़ें चर्चा में होती हैं बट इनमें से किस तरह से आपने इन्फॉर्मेशन डिराइव आउट करनी है जो कि प्रीलिम्स के लिए नेसेसरी हो उसे समझने में कई बार भूल चूक हो सकती है साथ ही साथ इस में इसमें से मल्टीपल सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन जो है निकल सकती है जोग्रफी की हिस्ट्री की पॉलिटी की इसी का एक इंस्टेंस में आपको देने वाली हूं आज के इस लेक्चर में फ्रॉम द इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो कि दोबारा अब चर्चा के अंदर आ गई है 2020 में नेपाल की पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था व्हाट इंडिया हैज टर्म्ड एज अ कार्टोग्राफिक अग्रेशन जहां पे ये जो एक ट्राई जंक्शन का इलाका है ट्राई जंक्शन जो कि लाइक है इंडिया नेपाल एंड चाइना के बीच में कंसिस्टिंग ऑफ द कंट्रोवर्शियल टेरिटरीज ऑफ लिपुलेक लेक लिंपी लिंपी अधूरा एंड कालापानी ठीक है अब 2020 में इन्होंने अपने मैप में उसे दिखाया था एंड इसके बाद इंडिया ने इसकी काफी निंदा की थी इंडिया हैड क्रिटिसाइज्ड इट अ लॉट लीडिंग टू सम काइंड ऑफ टेंस रिलेशंस राइट पोस्ट विच देयर वाज होप दैट विद इंप्रूवमेंट इन रिलेशंस होपफुली दिस इंटायर इश्यू वुड आल्सो बी रिजॉल्व हाउएवर इन 2024 नाउ in the month of may the nepalese government headed by pushpa kamal dehl se bhi hain, they announced the printing of the new nepalese 100 rupees currency with a map which actually shows these controversial territories as a part of nepal इंडियन गवर्नमेंट ने इसे क्रिटिसाइज किया है आपको बताया दो हजार बीस में नेपाल ने यह कॉन्ट्रोवर्शियल डिसीजन लिया था टू अपडेट इस देश का नेपाल का पोलिटिकल मैप जहां पे उन्होंने इस ट्राई जंक्शन के इन तीन को राइट, इज ऑफ यहां आ गई काला पानी एंड लिपू लेक तो ये ट्रायंगुलर जो एरिया है ये है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल है इन्होंने अपनी नेपाल की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसे अपना हिस्सा बना लिया जहां पे इंडिया ने बोला दिस इज डन ये एक्शन जो है सही नहीं है अगर हम इंडिया नेपाल की बात करें सबसे पहले तो आपको प्रीलिम्स के लिए पता होना चाहिए कि नेपाल इंडिया के साथ 1850 किलोमीटर का बॉर्डर जो है ये शेयर करता है और यहां पे स्टेट्स है, ठीक है कौन कौन से है ये स्टेट्स? तो आप शुरू कर सकते हैं ईस्ट से सिक्किम वेस्ट बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश एंड देन उत्तराखंड री इंपॉर्टेंटली ब्रीफ हिस्ट्री जहां पर आपको पता होनी चाहिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटीज के लिए बहुत जरूरी है लेकर कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्ट्रोवर्सी भी एमर्ज की है ना द स्टोरी स्टार्ट विद द एंग्लो नेपलीज एन फोरटीन एटीन सिक्सटीन जिसके बाद एटीन सिक्सटीन में साइन की गई थी वॉट इज नोन एज द ट्रीटी ऑफ सगौली और किसके बीच में की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन द ब्रिटिश साइड एंड नेपाल के साइड पे गुरु गजराज मिश्रा ठीक है तो ये इनके बीच में साइन की गई थी वेरी इंपॉर्टेंटली इस ट्रीटी के अंदर आता है आर्टिकल फाइव जिसने नेपाल से जूरिस्टिक्शन ले ली ओवर द लैंड टू द ईस्ट ऑफ काली रिवर तो काली रिवर अगर आप इस मैप में देखते हैं जो शारदा रिवर है शारदा रिवर को ही वेरियस नाम से बुलाया जाता है काली रिवर भी बुलाया जाता है महाकाली रिवर भी बुलाया जाता है तो इसको एक बाउंड्री की तरह बना दिया गया ओवर द इयर्स मैप्स के अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन आई एंड इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया इस रिवर के अराउंड जो कुछ एरियाज़ थे वो इनफैक्ट नेपाल की गवर्नमेंट के सेंसेस में ही इंक्लूड हो रहे थे एंड लैंड रेवेन्यू भी जो है वो नेपाल को दिया जा रहा था

बेसिकली किसी भी तरह से रोकना टू स्टॉप एनी फ्यूचर सच मूव बाय द चाइनीज अग्रशन अब यही जो प्रॉब्लम है विद रिस्पेक्ट टू दिस टेरिटरी के आखिरकार कौन इसे कंट्रोल करता है ये नाइनटीन नाइन्टीज एंड टू थाउजेंड में भी चली प्राइम मिनिस्टर आई के गुजराल के टाइम पे वाजपेई जी के टाइम पे बट ये सुलझ नहीं पाई In there was hope that something will happen when a boundary working group was set up by Prime Minister Modi on India's side and Sushil Koirala on the side of India. नेपाल जहां पे इन्होंने बोला कि जो बॉर्डर इश्यू है दो रीजन ऑफ काला पानी सस्ता इसको हम रिजोल्व करेंगे क्यों क्योंकि बेसिकली रिवर गंडक ने अपना कोर्स चेंज कर लिया था तो इंडिया नेपाल में यह भी बड़ी प्रॉब्लम है कि रिवर अगर बाउंड्री है तो रिवर अगर कोर्स चेंज कर जाए तो अब बाउंड्री भी क्या चेंज होगी ट्वेंटी 2015 ऑनवर्ड इंडिया एंड नेपाल का रिलेशनशिप थोड़ा डिटेरियरेट हो गया जब नेपाल की नई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया ने बोला आप थोड़ा सा पॉज कर दीजिए डिले लाइए ताकि राई रीजन के जो डिमांड्स है उन्हें इनकलकेट किया जा सके इन द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन विच द माउस रिफ्यूज जिसके कारण आइटम्स इंक्लूडिंग ऑयल नेपाल तक नहीं पहुंच पा रहे थे लीडिंग टू बैकलैश अगेंस्ट इंडिया एंड फाइनली इसके कारण जो इनके तब प्राइम मिनिस्टर थे ओली ही टू पावर था अब एक और चीज जो कि आपको प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से पता होनी चाहिए दिस इज दिस रिवर इज द शारदा रिवर यहां पे मैंने इसका जो पूरा एक कोर्स है वो भी दिखाने की कोशिश की है इस रिवर को वेरियस नामों से बुलाया जाता है ऑल्सो काली एंड महाकाली और ओरिजिनेट महा ये माना जाता है ब्रिटिश टाइम पे माना गया था कि लिंपी दुरिया से ये ओरिजिनेट करती है अब हिंदी के अंदर ये शब्द शारदा जो है सरस्वती के नाम से आता है राइट जो हमारी गॉडेस ऑफ लर्निंग है माता सरस्वती वेरी इंपॉर्टेंटली उत्तराखंडी भाषा में इसे काली गद या काली गंगा यह भी बुलाया जाता है यही वो रिवर है ठीक है अब ब्रिटिश डेफिनेशन जो थी 1911 की 1911 की वहां पे उन्होंने क्या बोला कि देखिए शारदा रिवर भी जो बनती है ये दो जो रिवर्स आ रही हैं ऊपर से उनके मिलन से बनती है गुंजी के राउंड जो इनका मिलन होता है विच इज द काला पानी रिवर जो कि लिपुलेख पास के नीचे से आ रही है एंड देन द कुठी यांकती रिवर जो कि लिंपी अधूरा रेंज से आ रही है अब दोनों ही स्ट्रीम्स को इकट्ठे मिलके काली रिवर जो है बुलाया जाता है जब ये उत्तराखंड आती है राइट उससे पहले जब ये तराई प्लेन छा को भी एंटर करती है एट तानकपुर राइट आफ्टर ब्रह्मदेव मंडी इसे फिर बुलाया जाता है शारदा रिवर ठीक है तो ये नाम और ये टर्म्स जो है आप याद रखिए बहुत ज्यादा जरूरी है इसी के साथ जरूरी हो जाता है जानना अबाउट द महाकाली ट्रीटी ऑल्सो तो ये जो रिवर है इसके ऊपर एक ट्रीटी भी है ऑन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ महाकाली रिवर जो कि साइन की गई है इंडिया और नेपाल के बीच में 1996 में एंड दिस केम इनटू इफेक्ट इन 1997. वेरी इंपॉर्टेंटली इसके ऊपर कुछ बहुत ही क्रिटिकल बराजेस एंड डैम्स हैं इंक्लूडिंग द शारदा बराज तानकपुर बराज एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया एंड नेपाल के लिए क्रिटिकल प्रोजेक्ट माना गया द पंचेश्वर मल्टीपर्पज डैम जो कि इनकी हाइड्रो पावर इरीगेशन एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड फ्लड कंट्रोल की नीड्स के लिए काफी ज्यादा जरूरी है अब आपके लिए क्वेश्चन है इसी रिवर की बेस में इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क भी लाया करता है आपने मुझे बताना है कमेंट्स में कि वो वो कौन सा नेशनल पार्क है 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 तो इस तरह से वेरियस फैसेट्स ऑफ द इशू के अंदर जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स हमने निकाल ली है। अगर आप आ, आगे चल के 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन का हिस्सा बन सकते हैं अगर आपने फाउंडेशन कोर्स खुद कवर किया हुआ है बेसिक सोर्सेज खुद कवर किए हुए हैं तो आप हमारे करंट अफेयर्स प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं जहां पे आपको हर महीने फ्रेशली रिकॉर्डेड हमारे द्वारा करंट अफेयर्स विद डिटेल्ड एनालिसिस इंटरलिंकेजेस मिलते हैं अगर आप फाउंडेशन भी खुद कवर नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारे पीएसआर के फुल फ्लैज कोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट विद विद्युएशन या फिर मेंटरशिप कोर्स देन वेरी इंपॉर्टेंटली रैपिड रिविजन का जो हमारा लास्ट बैच है उसकी शुरुआत हो चुकी है तो आप अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को बेहतर बनाइए और इस रैपिड रिविजन को जल्द से जल्द ज्वाइन जल कीजिए इसी के अलावा अगर प्लेसेज इन न्यूज आपकी वीक पॉइंट है तो हमारा एक मैपिंग का स्पेशल कोर्स निकला है प्रीलिम्स के लिए और अगर सी सेट आपका वीक स्पॉट है तो वी हैव दी सेट स्प्रिंट टू हेल्प यू विद हिस्सा बनिए और इन्फॉर्मेशन के लिए कॉल कर सकते दिए गए नंबर पे या फिर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं